आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे नंबर काउंटिंग करने है। क्या करना है? नंबर काउंटिंग करना है। केवल नंबर काउंटिंग करा आपने, एक नंबर, दो और तीन, केवल तीन नंबर है। तो आपको रून के अंदर, मतलब आइडेंटिटीज के अंदर देखना पड़ेगा नंबर तीन किसमें यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया? आपने देखा यहाँ पे वन टू दो नंबर का यूज होता है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा। वन टू यहाँ पे दो नंबर का आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे भी दो नंबर है लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर का यूज है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे तीन नंबर का यूज है, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे ये क्या साइन दिए हुए? माइनस के, दोनों माइनस के साइन दिए हुए, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। तो क्या और भी कोई आइडेंटिटीज है इसमें जिसमें माइनस का साइन हो? देखते हैं। अब यहाँ पे किसी में माइनस का साइन नहीं है और तीन नंबर किसी में नहीं है इसके अलावा, तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी का आप यूज यहाँ पे करने वाले हो। समझ में आ गया? अब यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले हम इनको दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में यूज कौन सी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एक दो, दो नंबर है। चलो यहाँ पे भी दो नंबर है, यहाँ पे भी दो नंबर है, यहाँ पे भी दो नंबर है, यहाँ पे भी दो नंबर है और यहाँ पे भी दो नंबर है। इतना आपने पहचान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे थ्री लिखी हुई है, तो पावर थ्री भी होनी चाहिए, ये भी आपको देखना है। पावर क्या होनी चाहिए? थ्री होनी चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे टू, ये यूज नहीं होगी आइडेंटिटी, यहाँ पे टू, ये भी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। यहाँ पे दोनों नंबर के ऊपर पावर टू लिखा हुआ है, तो ये आइडेंटिटी भी यूज नहीं होने वाली। इसका तो यहाँ पे तीन नंबर का यूज होगा, यहाँ पे दो नंबर है इसलिए यूज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो नंबर है और पावर तीन है, यहाँ पे दो नंबर है और पावर तीन है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे भी एडिशन का साइन है, तो इसका मतलब दोनों मैचिंग हो गए। यहाँ पे ये दोनों मैचिंग हो गई, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी का यूज आप करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। अगर नेक्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए इस आइडेंटिटी का यूज नहीं करना आपको। समझ में आ गया? तो इस आइडेंटिटी का यूज करोगे आप। समझ में आ गया? आइडेंटिटी का यूज करना सीख गए। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखने वाले हो, टू माइनस फाइव एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसी आइडेंटिटी देखनी होगी, उसमें दो नंबर होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए और पावर टू होनी चाहिए। तो ऐसी आइडेंटिटी कहाँ पे बनी हुई है? पावर टू वाली देख लेते हैं। पावर टू इसमें और इसमें भी, और इसमें भी पावर टू है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करें, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है, यहाँ पे दो नंबर तीनों के अंदर है, पावर टू यहाँ पे भी और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों के ऊपर पावर टू है इसलिए इसका यूज नहीं करना। यहाँ पे केवल ये पूरे कंप्लीट के ऊपर पावर है। समझ में आ गया? इस कंप्लीट के ऊपर पावर है, इसलिए आप ऐसा नंबर देखोगे, ऐसी आइडेंटिटी देखोगे जिसमें पूरे कंप्लीट के ऊपर पावर टू हो। तो यहां पे देख रहे हो आप, पावर टू यहां पे भी और पावर टू यहां पे भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक आइडेंटिटी यूज होगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो इन दोनों में से माइनस का साइन कौन से में? इसमें है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे यहाँ पे। समझ में आ गया? तो आइडेंटिटी आप पहचान सकते हो। अब आइडेंटिटी किस तरीके से आपको पहचाने वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करके ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यदि आइडेंटिटी के अंदर साइन वो है जो इसमें दिया हुआ है। समझ में आ गया? साइन सेम वो है जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ये सभी इसी तरीके से आपको लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है यदि साइन चेंज हो जाए तो क्या करना है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे इस साइन को लेके चलना है। साइन को क्या करना है? लेके चलना है। यहाँ पे ये एडिशन में प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सेवन बी लिखा हुआ है ना, ये माइनस में लेके चलना है। जहां पे भी आप पुट करोगे सेवन बी को, वहां पे माइनस में पुट करोगे। समझ में आ गया? और जहां पे सी को पुट करोगे वहां पे माइनस में पुट करोगे। समझ में आ गया? क्यों पुट करोगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रूल लिखा हुआ है वो एडिशन प्लस वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें क्या लेना, लेके चलना है, यहाँ पे माइनस का साइन सेवन के साथ लेके चलना है और माइनस का साइन सी के साथ लेके चलना है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड नंबर कौन सा होगा, थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये एक्स पाई और जेड लिखा हुआ है ना, तो एक्स वाला नंबर तो थ्री ए हो गया। मतलब जहां पे भी आप x के स्थान पे 3a लिखना आपको, समझ में आ गया, x के स्थान पे क्या लिखना, 3a लिखना है और y के स्थान पे क्या लिखना आपको, माइनस सेवन बी लिखना है,
ठीक है, और z के स्थान पे क्या लिखना है आपको, z के स्थान पे क्या लिखना है, माइनस सी लिखना आपको। बस इतना ध्यान रखना होगा, x के बराबर 3a हो गया, y के बराबर 7b हो गया, z के बराबर माइनस सी हो गया। जहां पे भी आपको x, y, z दिखे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर लिखा है, x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3a लिखूंगा, और ये यहाँ पे जो स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, ये केवल a के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ये पूरे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर आएगा। जब आपको एक से ज्यादा नंबर दिए जाए ना, तो वहां पे ना ब्रैकेट लगा लिया करो, ताकि आप उसका स्क्वायर पूरे कंप्लीट के ऊपर लगा सको। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया इस तरीके से, आपको इसी तरीके से लगाना है, ठीक है, प्लस में। इस तरीके से y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y के स्थान पे क्या लिखना है आपको, माइनस सेवन बी, जहां पे y वहां पे माइनस सेवन बी लिखना है, तो यहाँ पे माइनस सेवन बी लिखोगे, और माइनस सेवन बी, माइनस सेवन बी आ गया, और पावर क्या होगी, टू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ गया। z के स्थान पे क्या लिखना है, z के स्थान पे z की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, माइनस सी लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस सी लिखा जाएगा, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है। कभी भी नंबर और वेरिएबल टच में लिखे होते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं, किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये तीनों नंबर आपको मल्टीप्लाई में लिख देने हैं। मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई में, x के स्थान पे क्या लिखना है आपको, x के स्थान पे 3a लिखना है, x के स्थान पे लिखना है 3a, मल्टीप्लाई में y के स्थान पे क्या लिखना है, माइनस सेवन, माइनस सेवन बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, टू वाई जेड लिखना है, टू मल्टीप्लाई में वाई के स्थान पे क्या लिखना है, माइनस सेवन बी, तो यहाँ पे माइनस सेवन बी लिखा, मल्टीप्लाई में जेड की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी, तो माइनस सी आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से टू जेड एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, टू एक्स जेड की वैल्यू हम लिख देते हैं, टू मल्टीप्लाई में जेड की वैल्यू क्या है, माइनस सी है, तो माइनस सी आपको लिखना है, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री ए, तो यहाँ पे थ्री ए लिख दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरा कंप्लीट वैल्यू पुट करी हुई है, समझ में आ गया। अब आपको इसको ओपन करना है, खोलना है इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब ये पूरे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये थ्री का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ पे थ्री का स्क्वायर नहीं करते, केवल थ्री लिख के और ए का स्क्वायर कर देते, कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो थ्री का स्क्वायर करना है, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, समझ में आया, और ए का स्क्वायर ही आ जाएगा, समझ में आ गया। इससे कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सेम ऐसा ही आ जाता है। इसी तरीके से माइनस सेवन का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 49 आ गया, ठीक है, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे, इवन। जब इवन पावर होती है और नंबर होता है नेगेटिव, तो हमेशा उसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, समझ में आ गया। इस बात का ध्यान रखना, बी का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, प्लस में। अब माइनस सी का भी तो स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जेड का स्क्वायर है, तो माइनस सी का स्क्वायर कितना होता है, सी होता है। अभी बताया था पावर इवन होती है और नंबर होता है नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अब इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू थ्री जो कितना होता है, सिक्स, सिक्स सेवन जो कितना होता है, 42 हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ पे ए और बी को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता, तो हम टच में लिख सकते हैं वेरिएबल को, समझ में आ गया। और साइन कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का है। जब मल्टीप्लाई के अंदर दो साइन अलग अलग आ जाते हैं, दो साइन अलग अलग आ जाते हैं, तो हमेशा वहां पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। इसी तरीके से इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए। सेवन टू जो कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे 14 और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे बी और सी लिख दिया, बी और सी। अब साइन को देख लेते हैं। अब देखो, दो साइन सेम आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस, तो प्लस का साइन हो गया, और यहाँ पे प्लस है, सेम साइन तब भी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं, लास्ट वाले नंबर में क्या आएगा, टू थ्री जो सिक्स आ गया, ठीक है, सी और ए आ गया टच में। अब साइन यहाँ पे देखिए, माइनस का और ये प्लस का, दो साइन कैसे आ गए यहाँ पे, अलग अलग आ गए, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करने के बाद आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और लिया है, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है,
ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई और उसकी पावर 3 की आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे x भी ढूंढ रहा है आपको और y भी ढूंढ रहा है। सबसे पहले ये करना काम, x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, x की वैल्यू 3/2x लेनी है, मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर लिखना है जहां पे भी x लिखा हुआ है, ठीक है। और y के स्थान पे क्या लेना है, 1, y के स्थान पे क्या लेना है, 1 लेना है, समझ में आ गया, y के स्थान पे 1 का यूज करना है। तो मतलब x के स्थान पे आप यूज करने वाले हो 3/2x, ठीक है, और y के स्थान पे यूज करने वाले हो आप 1, यही आपको इसमें पुट करना है और सवाल सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं x की पावर 3, मतलब x वाला नंबर ये पूरा कंप्लीट माना जाएगा, तो यहाँ पे 3/2x लिखा और पावर 3 इसमें लगा दिया, यहाँ पे समझ में आ गया, प्लस में। अब यहाँ पे y लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 1 की पावर 3 लिखूंगा, प्लस में यहाँ पे 3xy जो ये लिखा हुआ है ना, ये टच में लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 × x की वैल्यू आपके पास है 3/2x × y की वैल्यू कितनी दी गई, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, समझ में आ गया। ब्रैकेट में x प्लस y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू दोनों पुट करनी होगी, मतलब 3/2x प्लस में y की वैल्यू आ गई 1, तो ये वैल्यू पुट करी हुई है। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, पावर के अंदर है, पावर के अंदर ब्रैकेट में बंद है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालोगे तो ये जो पावर 3 है ना, ये 3 का भी क्यूब होगी, मतलब 3 के ऊपर भी 3 पावर है और 2 के ऊपर भी 3 पावर है, x के ऊपर भी 3 पावर है, हर एक नंबर के ऊपर पावर होगी, जो पावर बाहर की तरफ लिखी हुई है, समझ में आ गया, बाहर की तरफ लिखी हुई है ना। तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के ऊपर भी पावर 3 आएगी, तो 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 × 4, 4 × 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का भी करोगे तो x की पावर कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगी, प्लस में 1 की पावर 3, 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर आ जाए हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x/2 आ जाएगा, नीचे वाला नंबर तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9 आ गया, 9x/2, और यहाँ पे क्या रह गया, 3/2x + 1 आ गया, समझ में आ गया इतना। अब आप इस नंबर को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हो। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई आप करोगे, देखिए ब्रैकेट के टच में भी जो नंबर लिखा रहता है वो मल्टीप्लाई में होता है, समझ में आ गया, ब्रैकेट के टच में ये नंबर लिखा हुआ है 9/2x, तो इसका जो रिलेशन होगा वो मल्टीप्लाई में होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे कंप्लीट की मल्टीप्लाई इस 3/2x से मल्टीप्लाई होगी और इसकी नंबर की मल्टीप्लाई 9/2x की 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने भी नंबर हो उन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 9/2x, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3/2x इसके साथ होगी मल्टीप्लाई इसकी, ठीक है, दोनों के आपस में होगी मल्टीप्लाई में, लिख दिया, प्लस में। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए, 1 के साथ करोगे तो ये तो नंबर सेम ही आ जाएगा, 9/2x, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, 1 प्लस में, इसको सेम उतार दीजिए, 27/8x³, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ होता है आपस में, कैंसिल नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 जा कितना होता है, 27 होता है, अपॉन में 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, जब सेम वेरिएबल आते हैं ना, सेम वेरिएबल आ जाते हैं और मल्टीप्लाई में नंबर होता है तो उनकी जो पावर होती है ना, पावर, तो उनको ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल हो गई और पावर को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x² यहाँ पे प्लस में 9/2x आ गया और यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में ये सेम उतार दिया जाएगा, 27/8x³। तो ये इसका आंसर आ गया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को बताना वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी, पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।